कभी कभी ना घर वालों को जब ब्रेड लेने के लिए भेजते हैं तो वो एक पैकेट की जगह बहुत सारे पैकेट ले आते हैं। तो एक पैकेट तो देखो खा लेते हैं नॉर्मल चाय के साथ, लेकिन जब बहुत सारे पैकेट हो तो उन्हें फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज में रखे रखे ही पता नहीं क्यों वे सूख जाते हैं। तो ऐसे ब्रेड के लिए कोई रेसिपी हो जाए तो मज़ा आ जाए, ताकि पैसे भी वेस्ट ना हो और ब्रेड भी वेस्ट ना हो। तो इसीलिए मैंने ये दो रेसिपीज़ इन्वेंट की है, ताकि इनसे आपको भी हेल्प मिले और हमें भी हेल्प मिले, ताकि ये ब्रेड और पैसे बच सके। तो सबसे पहले आप इनके एजेस को कट कर लो ब्रेड के, और उसके बाद इन्हें क्यूब शेप देकर इन्हें फ्राई कर लो जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। क्रंची होने के बाद इन्हें तेल से बाहर निकाल लो। आप इन्हें तेल में भी फ्राई कर सकते हो और घी में भी, और उसके बाद इनके ऊपर डाल दो नमक और चाट मसाला, और आपका ये सुबह का नाश्ता या फिर आप इसको शाम को भी चाय के साथ सर्व कर सकते हो। और आपकी तारीफें ही तारीफें होने वाली है, जैसे कि मेरी हुई थी जब मैंने ये अपने घर वालों को सर्व किया था। उसके बाद है ये दूसरी रेसिपी, इसमें भी आपको ब्रेड के एजेस को कट कर लेना है, क्योंकि ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इनकी भी अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर बता दूंगी। उसके बाद आप ये जो ब्रेड के एजेस थे हमने इनको कट कर लिया और ब्रेड को क्यूब शेप में कट कर लिया। उसके बाद एक फ्राई पैन में हमने चढ़ाया तेल, आप तेल की जगह घी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सरसों के तेल में मैंने जीरे को भून लिया, टमाटर प्याज और मिर्च को भी अच्छे से भून लिया, और उसके बाद इसमें डाले कुछ स्पाइसेस जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, और उसके बाद थोड़ी सी चीनी और नमक डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसके बाद ब्रेड डाल दिए जो हमने सूखे हुए कट करे थे, और फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा नींबू, और हमारी ये रेसिपी हो गई तैयार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।